हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। टू वायर्स सेम लेंथ एंड थिकनेस हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 6 ओम सेंटीमीटर एंड 3 ओम सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी इज रो ओम इंटू सेंटीमीटर। ये ओम इंटू सेंटीमीटर है। द वैल्यू ऑफ रो टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। देखो दो वायर है हमारे पास, एक वायर ये रहा और दूसरा वायर ये रहा। इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस सेम है, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी रो वन है, इसकी रेजिस्टिविटी रो टू है। अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो एक पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद एक इफेक्टिव रेजिस्टिविटी पूछ रहा है आपका। दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद इफेक्टिव रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। देखो इफ बोथ टू वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो वन अप आर की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए, तो आर वन की वैल्यू पुट करो तो इस वाली वायर को इसका रेजिस्टेंस आर वन मान लो, इसका रेजिस्टेंस आर टू है ना, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर मान लिया और रेजिस्टिविटी इफेक्टिव रो। तो क्या लिखें, आर वन की जगह पे लिख दें हम रो वन एल अपॉन ए, तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस वन अपॉन रो टू एल ए ऊपर पहुंच जाएगा, सॉरी ए केवल। और इधर लिखें तो अलग अलग लिख लो दोनों का, ठीक है, तो वन अपॉन रो एल ए प्लस ए रो एल, ये पहले वायर का, ये दूसरे वायर का इफेक्टिव टोटल है, तो टोटल लिखा है मैंने सब कुछ, ठीक है। और ये ऐसे तो यहाँ से ए वाई एल कॉमन ले लोगे तो वन प्लस रो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से भी ए वाई एल कॉमन ले लोगे तो वन अपॉन रो वन प्लस वन अपॉन रो टू, ये तो कटेगा, तो ये हो जाएगा टू अपॉन रो इज इक्वल टू वन अपॉन रो वन प्लस वन अपॉन रो टू, ठीक है। तो रो वन की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, यहाँ पे रो वन दे रखा है आपको 6 ओम इंटू सेंटीमीटर और रो टू दे रखा है 3 ओम इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ से रो वन रो टू एलसीएम ले लो आप, तो रो वन प्लस रो टू और टू अपॉन रो, रो पूछ रहा है तो उल्टा कर लो पहले से आप, रो बाई टू इज इक्वल टू रो वन रो टू ओवर रो वन प्लस रो टू, तो रो इज इक्वल टू टू रो वन रो टू ओवर रो वन प्लस रो टू, वैल्यू पुट कर दो, टू रो वन है 6 और ये 3 और 6 प्लस 3 9, 3 से कटा 3 बार और 3 से कटा ये 2 बार, तो रो आ गया 4 ओम इंटू सेंटीमीटर, रो इज इक्वल टू 4 ओम इंटू सेंटीमीटर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।